आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव चांदपुर मंगोल पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। इस गांव के प्रधान जगवती देवी हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी इनके द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान जगवती और सचिव सुरेंद्र सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। चार वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के चांदपुर मंगोल ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और किस तरह से गरीबों की यहाँ लॉकडाउन के चलते मदद की गई है, सबकी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साढ़े चार साल जैसे कि आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपकी ग्राम पंचायत में अब तक करवाए हैं आपने? हमारे यहाँ सबसे पहले शौचालय का निर्माण ODF हो गई ग्राम पंचायत, करीब 375 शौचालय हमारे यहाँ बन चुके हैं। थोड़ा तेज बोलेंगे। बाकी हमने डिमांड और भी दी थी 10-20 शौचालयों की, तो वो जो है वो अभी तक मिल पाई नहीं। आवास मिले हैं? आवास हमारे यहाँ कोई मिला नहीं। एक भी नहीं। कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है? आवास ऐसे हैं करीब 50-60 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मिलना चाहिए। सीसी टाइल्स कराया था स्कूलों में हमने, 3 स्कूल है हमारे यहाँ, जूनियर है और 2 प्राइमरी है, तो वहाँ सीसी टाइल्स का काम भी कराया, टंकी फिटिंग भी समझ रहे मिला है और बाउंड्री का निर्माण कराया। और अब आपके गांव में रास्ते कच्चे हैं बाकी या सभी लगभग अभी हैं कच्चे? हमारे अभी कच्चे हैं। कितने लीटर सीसी से जो है गांव पूरी तरह से पक्का हो गया है? हमारे गांव में कम से कम 1800 मीटर सीसी और जरूरत मिल जाए तो हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, तो इन सब योजनाओं का लाभ आपके गांव में सभी को मिला है? हाँ, ये तो सबको लगभग मिल चुका। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, तो कितने परसेंट लोगों का आपके ग्राम पंचायत में पैसा है? ये लगभग 60% 60% लोगों का। बाकी लोगों का जो नहीं आया है तो आपकी क्या कोशिशें हैं उसमें? वो उनके कागज में कृषि विभाग द्वारा जो है भेजे गए हैं दोबारा से, उनको रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। जो कागज कैसी है साफ सफाई हमारे यहाँ फिलहाल तो सफाई करना चाहिए तो एक ही है दूसरी दोनों गाँव में। आपके यहाँ पर दूसरी ग्राम पंचायत भी यहाँ पर लगती है, तो दोनों गांवों में सफाई एक सफाई कर्मचारी पूरा नहीं, हमें नहीं लगता कि पूरी तरह से सफाई पाती होगी, तो मैं बीच बीच में अलग से कराता रहता हूँ। आप अपनी तरफ से यहाँ सफाई पर ध्यान देते हैं? जैसे कि 17 दिन का लॉकडाउन भी रहा है, इसमें कई लोगों को कई काफ़ी तरह की परेशानी यहाँ पर आई होंगी, जो गरीब परिवार हैं उनके सामने खाने पीने को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हुआ होगा, तो इस जो है मुश्किल समय में उन लोगों के लिए आपका क्या योगदान रहा, किस तरह की मदद आपसे मिली? अब ये हमारे स्तर से जो भी किसी की परेशानी होगी तो हमने सहयोग करा है। जैसे पैसे है अब काम तो चला नहीं लॉकडाउन में, जो थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था है थोड़ा उनके साग सब्जी के लिए भी थोड़ा सहयोग किया है, और बाकी जो है सरकार जो है बिलों के द्वारा राशन दिलवाई, राशन की जो व्यवस्था है वो सभी को ठीक ठाक हुई है। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग यही है जो हमारे अधूरे काम पड़े हैं पूरे होने चाहिए, जैसे जो कच्चे रास्ते पड़े हुए हैं, जो नाली हैं थोड़ी बहुत, और जो आवास नहीं मिल पाए हमारे गाँव में बिल्कुल नहीं मिले, 5 साल के हो चुके लगभग, जैसे बारात घर पंचायत भवन ये बनी हुई है, सामुदायिक केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है पास में ही हमारा जी, जो सामुदायिक केंद्र यहाँ पर बना हुआ है उसमें कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है? नहीं, सुविधा कोई नहीं है, कोई भी सुविधा समझो बारात घर है, मतलब उस सामुदायिक केंद्र को बारात घर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ये कह सकते हैं। अब जैसे कि बीमारी अभी दिन पर दिन बढ़ रही है और लॉकडाउन भी अभी जारी भी है और अनलॉक भी हो चुका है, तो आप अपने गांव वालों से कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? गांव वालों को ये है, आप अपने आप अपना जो है एहतियाती बरतें, थोड़ा अपना
साफ सफाई पर ध्यान देंगे आप घर पर भी, बच्चों का बुजुर्गों का ध्यान रखना, और सरकार जो नियम बता रही है उसका पालन करना। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन बीते चार साढ़े चार सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास, यहाँ एक भी परिवार को नहीं मिल पाया है अब तक। शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि लगभग 50 से 60 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है और अभी तक एक भी आवास यहाँ नहीं मिला है, जिसके लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। लगभग 1000 मीटर सीसी के लिए भी यहाँ पर मांग रखी गई है। सबसे प्रमुख मांग यहाँ पर जो रखी गई है वो एक बारात घर को लेकर है, सामुदायिक केंद्र जो यहाँ बना हुआ है लेकिन बारात घर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होता है, कोई भी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ किसी भी ग्रामवासी को वहाँ से उपलब्ध नहीं होती। के साथ